वहीं नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी ईओयू। 8 जुलाई से पहले ईओयू को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट को फाइनल करने में जुटी हुई है ईओयू। पुख्ता सबूत दिए जाने की जानकारी मिल रही है। जराये के हवाले से ये खबर मिल पा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार ईओयू सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई से पहले अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। नीट एग्जाम से कैसे एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, इससे जुड़े सबूत ईओयू के जरिए सौंपे जाएंगे। ईओयू रिपोर्ट के जरिए ये साबित करेगी कि लीक पेपर को सॉल्व करके पटना, हजारीबाग, रांची के स्टूडेंट तक पहले ही पहुंचा दिया गया था। साथ ही ईओयू पेपर लीक गैंग के दूसरे रियासतों से भी तार जुड़े होने का सबूत सौंपेगी। तो ईओयू के जरिए ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और देखना होगा क्या कुछ इस रिपोर्ट में होता है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उसके बाद यहां पर उठाए जाते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर 8 जुलाई से पहले ये रिपोर्ट सौंपनी है ईओयू को और बताया जा रहा है कि कई अहम सुराग मिले हैं ईओयू की टीम को और जब ये रिपोर्ट सामने जाएगी कोर्ट के तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। पुख्ता सबूत दिए जाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा जराये के हवाले से खबर मिल रही है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार ईओयू की जांच लगातार जारी है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ सबूत टीम के हाथ लगे हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को 8 जुलाई से पहले इसे सौंपना होगा।